राजधानी पटना के पालीगंज में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। कुख्यात अपराधी जुम्मन खां गैंग समेत गिरफ्तार। साथ ही भारी मात्रा में हथियार, कारतूस और बम बरामद किए गए हैं। मुजफ्फरपुर में मुथूट फाइनेंस कंपनी से लूटी गई रकम बरामदगी के बाद कंपनी के अधिकारी बेहद खुश हैं। कंपनी ने डीजीपी को कहा शुक्रिया, साथ ही बिहार पुलिस को 30 लाख रुपए का इनाम देने की बात कही है। बिहार के नए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बीती रात राजधानी की सड़कों का भ्रमण कर पुलिस व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान वह दो थानों का निरीक्षण कर दोनों थानों के थानेदारों के खिलाफ ऑन द स्पॉट कार्रवाई कर डाली। साथ ही दो अन्य पुलिस कर्मियों पर भी निलंबन की गाज गिरी। मुजफ्फरपुर में फाइनेंस कंपनी से 10 करोड़ का सोना लूटने वाले धर लिए गए हैं। लूट का सारा सोना भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस को यह बड़ी कामयाबी वैशाली जिले में मिली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल बिहार आएंगे। नितिन गडकरी का बिहार दौरा एक दिन का होगा, जहां वो राजधानी के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में नमामि गंगे परियोजना का शुभारंभ करेंगे। राज्य के सरकारी कर्मियों के लिए अब ड्यूटी से कन्नी काटना आसान नहीं होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि हर सरकारी कर्मचारी को चुनाव ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देनी होगी। ऐसा नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारियों को फरवरी माह का वेतन नहीं मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा के करीबी रहे नागमणि ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नागमणि के अनुसार कुशवाहा ने आगामी लोकसभा चुनाव में मोतिहारी सीट के लिए पार्टी का टिकट 9 करोड़ में बेच दिया है। पटना न्यायपालिका से जहां राज्यभर के वकीलों ने आगामी 12 फरवरी को कामकाज नहीं करने का फैसला लिया, शनिवार को बिहार स्टेट बार काउंसिलिंग की बैठक में यह फैसला लिया गया। बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिल्डरों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। 24 बिल्डरों पर चला रेड़ा का डंडा, अब 7 गुना जुर्माने के साथ कराना होगा प्रोजेक्ट का निबंधन। बिहार में एक बार फिर से लड़कियों से छेड़खानी के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। ताजा मामले गया और जहानाबाद के हैं, जहां कुछ युवक लड़कियों से क्रूरता पूर्वक छेड़खानी कर रहे हैं। दोनों वीडियो को देखकर पुलिस एक्शन में आ गई है। अपराधियों की तलाश की जा रही है।